हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में हम डिकोडर पढ़ने वाले हैं। डिकोडर से रिलेटेड जितने भी आपके पॉइंट है वो हम देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। डिकोडर क्या होता है गाइस? डिकोडर में आप जो भी इनपुट देखते हो, प्रोड्यूस ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन आउटपुट टू द गिवन इनपुट वेरिएबल। ओके, वो सारे कॉम्बिनेशन इनपुट के, वो सारे कॉम्बिनेशन आउटपुट के रूप में आपको प्रोवाइड करते हैं इनपुट में जो आप वेरिएबल देते हो। जैसे 2 दिया, 2 के पावर 2, 4 आपको आउटपुट दिया, 3 वेरिएबल दिया 2 के पावर 3, देन आपको आगे इस तरह से आपको वो देते हैं, आउटपुट प्रोवाइड करते हैं इनपुट के वेरिएबल के कॉम्बिनेशन के बेस पर। अब यहाँ पर ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये पेपर में पूछा जाता है। x1 x2 xn, n नंबर ऑफ बाइनरी वेरिएबल, तो आपके पास टोटल इनपुट कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? अगर आपके पास n नंबर ऑफ बाइनरी वेरिएबल है तो आपके टोटल इनपुट कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? तो टोटल इनपुट कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे 2 की पावर n माइनस 1। कितने बनेंगे? 2 की पावर n माइनस 1। 2 की पावर n माइनस 1 कैसे हुआ गाइस? जैसे आपके पास 2 वेरिएबल है, ओके, तो आप जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1, अब डेसिमल में हम इसको कैसे लिखेंगे? 0 लिखेंगे, 0 1 2 3 लिखेंगे, तो इस 0 को हम माइनस कर देते हैं, तो 1 हमारा माइनस हो गया। इसलिए 2 की पावर n माइनस 1 हमारे टोटल कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब डायग्राम हम देखने वाले हैं। हेलो गाइस, तो यहाँ पर हम डायग्राम देखने वाले हैं, डिकोडर का। डिकोडर का डायग्राम देखिए, अगर आपके पास 1 वेरिएबल, आपने इनपुट में 1 वेरिएबल दिया है, तो आपका 1 मल्टीप्लाई में 2 डिकोडर बनेगा, आपका 2 वेरिएबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट आपके निकल के आएंगे। अगर आपके 3 वेरिएबल लिए हैं आपने x y and z, तो 3 मल्टीप्लाई में 8 आपका डिकोडर बनेगा, देन और आउटपुट आपका D0 to D7 तक आपका आउटपुट कॉम्बिनेशन निकल के आएंगे। अगर आपने 2 वेरिएबल लिया है गाइस, तो आपका डिकोडर 2 मल्टीप्लाई में 4 बनेगा, और 4 इसके आपके आउटपुट निकल के आएंगे। अब देखो यहाँ पर किस तरह से हमारा ये आ रहा है, हमें 2 वेरिएबल लिया, 0 0 0 1 1 0 1 1, अब कितने वेरिएबल है? 2 है हमारे पास, आउटपुट कितने आए? नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे 2 लिए, 2 क्या था मैंने, 2 की पावर n कितने हैं वेरिएबल? 2 है, इक्वल टू 2 की पावर 2 कितना हुआ? 4, तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन आउटपुट निकल के आया है। अब हम इनपुट एंड आउटपुट देखेंगे। अगर हम दोनों वेरिएबल में एक्स एंड वाई में 2 का लिया है, 2 में अगर हम 0 0 देते हैं, दोनों वेरिएबल में 0 0 देंगे, तो D0 हमारा 1 होगा, देन और सभी हमारे 0 हो जाएंगे। ओके, अगर हम x1 x में 0 देते हैं और y में 1 देते हैं, तो हमारा D1 1 हो जाएगा, एंड हम x में 1 देते हैं y में 0 देते हैं, तो हमारा D2 1 हो जाएगा। अगर हम दोनों में ही 1 देते तो हमारा T3 1 होगा। यहाँ पर आपका यूनिक, मतलब किसी एक में ही 1 जाएगा और सभी में 0 जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका 2 आउटपुट 1 आ रहे हो, ओनली 1 ही सिंगल आपका 1 जाएगा। अगर आप 0 0 देते हो, इनपुट पर आपका बेस है, तो D0 आपका 1 आएगा, 0 1 में D1, 0 2 में आपका D2, 0 3 में आपका 1, D3 आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका डिकोडर वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिकोडर के ऊपर क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, ताकि आपके अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू गाइस।